रहा था, वो जो आप वो लास्ट थ्योरी वाली बुक बता रहे थे ना, वो वाला मैंने देखा था। आप एक बार अच्छा प्लीज एक बार और सेंड कर देना। चलो कोई नहीं, तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पे तो शुरुआत में आप सभी लोगों से मैंने अभी क्वेश्चन किया है, और वो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए गरीबी पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी लोगों को वो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों का स्पष्ट हो गए होंगे। फिर मैंने अभी बिल्कुल आप लोगों से थोड़ा सा जो बचे था कि स्वास्थ्य के संबंध में कुछ निर्धारण कारक थे, जहाँ पर मैंने आप लोगों से 7-8 पॉइंटों पर ये चर्चा किया है अभी अभी, और मैं आशा करता हूँ पूरा का पूरा आप लोगों ने समझ लिया। तो क्लियर है वहाँ तक, जी फिर आगे बढ़ें अब। जी सर चलो तो अब हम आ गए अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये अब बनेगा संक्रमण और असंक्रमक पर। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ये हम साधारण शब्दों में अगर बात करें, संक्रमक रोग को संचरणी भी कहा जाता है और असंक्रमक को असंचरणी भी कहा जाता है। ये तो मालूम आपको तो पता ही होगा, ये बातें तो पता है ना। जी क्या कह रहे हैं आप? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब मिलने जुलने से फैल जाता है, वो संक्रमण ही होता है। ओके ठीक है। चलिए तो देखिए, जो अगर हम बात करते हैं एक संक्रमक और एक असंक्रमक, तो आपने अभी बताया है हमें कि देखिए जब हम संक्रमण की बात करते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं छूत के रोग जो एक दूसरे से व्यक्ति को लगते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से वायु, जल, भोजन, कीट या संपर्क द्वारा जो है फैल जाते हैं। यह हानिकारक और सूक्ष्म जीव होते हैं। वायरस एक प्रकार के होते हैं ना, जीवाणु के द्वारा होते हैं, है कि नहीं? और जी ये सर कई बार तो महामारी के रूप में एक लंबे क्षेत्र में फैल जाता है ना। महामारी के रूप में अगर हम बात करें तो एक लंबे क्षेत्र पर, जैसे अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू हो गया, COVID-19 हो गया, क्षय रोग हो गया, हैजा हो गया इत्यादि, आप इसका उदाहरण मान सकते हैं, है कि नहीं? प्लेग भी तो होगा, प्लेग क्या चीज? सर प्लेग बोल रही हाँ प्लेग भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ लीजिए ये केवल कि यह व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब आसानी से वायु का प्रयोग हो रहा है, जल का प्रयोग हो रहा है, भोजन का और कीट या संपर्क द्वारा जो फैल रहे हैं, वो बेसिकली संक्रमण या संचरणीय रोग के अंतर्गत आ जाते हैं। एक होता है असंचरणीय, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये परजीवियों और पोषक तत्वों की कमी या शारीरिक त्रुटियों के कारण होता है। ये आप सबसे सही जवाब देगा आप लोगों के लिए, शारीरिक त्रुटियों के कारण होता है। ये एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है, जैसे मधुमेह कह सकते हो, स्कर्वी कह सकते हो, हृदय रोग कह सकते हो, घेंगा कह सकते हो। बनेगा कि नहीं, उदाहरण बनेगा बताइए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, तो अरक्तता भी बन जाता है। जी कुष्ठ रोग जो होता है लेप्रोसी, क्या वो उसमें आता है क्या, संक्रामक में या गैर संक्रामक? संक्रामक में आएगा कुष्ठ सर, कुष्ठ रोग संक्रामक में आएगा। अभी कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, संक्रामक में होगा। तो ये हैं कुछ ऐसी जो संक्रामक बीमारियां के अंतर, जो संक्रामक बीमारी वो होती है जो हानिकारक सूक्ष्म जीव या रोगाणु के द्वारा हो रहा है, जहाँ रोगाणु, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा आदि वायु, जल, भोजन, कीट या शारीरिक संपर्क द्वारा रोगी के व्यक्ति में या व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है, वो संचरणी, वो संक्रामक रोग है। काली खांसी, फ्लेक,
कुष्ठ रोग, टाइफाइड, टेटनस, टीबी, डिप्थीरिया। मैंने एक नाम शुरुआत में क्या बोला था वो भी आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो। संक्रमण रोग में विषाणु शब्द, जीवाणु शब्द, कवक शब्द, प्रोटोजोवा, ये जो चार शब्द हैं रोगाणु के, जहां वायु, जल, भोजन, कीट सारे ही संपर्क रूप में आ रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि असंक्रमक रोग शरीर के अंदर विकार और असंतुलन के कारण वो रोग बाहरी संक्रमण से नहीं होते हैं, इसलिए ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं लग सकते, इसलिए खून की कमी, मधुमेह, गठिया आदि का ये उदाहरण बन जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो संक्रमक में होता है वो कृत्रिम के कारण होता है, छोटी माता, तपेदिक, मलेरिया आदि का उदाहरण बन सकता है। यहाँ देख सकते हैं जितनी बीमारी है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, काली खांसी, जुखाम, मलेरिया, हैजा, तपेदिक, छोटी माता, फ्लैग, और एक आपका है कंजक्टिव वाइटिस, खसरा, कनपेड़ा या जिसको गलसुजुआ कहते हैं, पोलियो, कुष्ठ रोग, अतिरा, कृत्रिम एड्स। नहीं 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 देखो, एड्स यहाँ अगर हम बात करें तो आपने, मैंने एक शब्द बोला है अभी अभी, शायद आप भूल गए, मैंने कहा कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवा, ये रोगाणु के एक प्रकार से, इनमें वायु, जल और भोजन, कीट, शारीरिक संपर्क द्वारा भी रोगी व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है। जी आपकी बात कट रही है बीच बीच में ना। ओके, क्या मेरी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही सभी के पास? यदि थोड़ी सी दिक्कत, हाँ एक बार ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एड्स बताया गया है भाई, शारीरिक संपर्क द्वारा रोगी के व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच सकता है, या है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये आपका संक्रमण रोग के अंतर्गत आएगा। हाँ, बचाव के लिए जैसे नहीं कहा जाता है कि स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें, है ना, तो हमेशा कहते हैं कि हाथ मिलाने से नहीं होगा, हैंड शेक करें। अभी बीच में बहुत सारा अभियान चलाया गया था, है कि नहीं? सही है, ऐसी बात नहीं कि वो गलत है, सत्य है, उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उस पर, परंतु यहाँ पे हम बीमारी के हिसाब से बात कर रहे हैं, रोग के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो होने के चांस है। देखिए एड्स होता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, छोटी छोटी बीमारियाँ बड़ी बीमारियाँ हो जाती, तो फिर छोटी छोटी बीमारियाँ जब ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं तो उसका नाम रखा जाता है HIV, है ना, HIV है, और यही HIV जब आपका एड्स में कन्वर्ट, तो ये भयंकर बीमारी हो जाती है, है ना, ये भयंकर बीमारी है ना एड्स है। तो इसमें यही है कि आप साफ सफाई रखें, है ना, सावधानी बरतें, इसका समाधान है, है ना। तो आप साथ चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हैंड शेक कर रहे हैं, तो इससे ही थोड़ी है कि भाई उसको एड्स या HIV है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु यहाँ पे आप, मैंने बताया जीवाणु विषाणु के अंतर्गत ये आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संक्रमक रोग है। आप असंक्रमक रोग में मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा, NCERT किताब पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा संक्रमक रोग में ही, ठीक है, असंक्रमक में एड्स नहीं मिलेगा। मधुमेह, कैंसर, रशोली, दमा, गठिया, हिस्टेरिया, फिर उसके बाद ब्रॉन्काइटिस, और फिर उसके बाद क्वासियोकर, सूखा रोग, और स्कर्वी और हीमोफीलिया, ये आपके असंक्रमक रोग में आते हैं, ये आपके असंक्रमक रोग में आते हैं। अब मैं थोड़ा सा संक्रमक रोग के बारे में, हालांकि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि कौन किसको किसको कहा जाता है, मैं थोड़ी सी इनकी बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा, संक्रमक रोग और असंक्रमक रोग के अंतर्गत, है ना। यहाँ आप लोगों को कुछ मैंने दिया है, आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं केवल फैक्ट चीज़ों पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हर सूक्ष्म जीव, जहाँ पे मैंने बताया था सूक्ष्म में किसको बोलते हैं, संक्रमक में आता है, चार समूह में बैठ जाता है, जीवाणु भी हो जाता है, विषाणु भी होता है, प्रोटोजोवा भी हो जाता है, कवक भी हो जाता है। प्रजीवाणु को प्रोटोजोवा का नाम भी दिया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। रोगाणु का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो बताया गया कि सूक्ष्म जीवों का रोग उत्पन्न करता है रोगाणु,
तो जाहिर सी बात है ये जीवाणु करता है, विषाणु करता है, प्रोटोजोआ करता है, कवक करता है ना, इसको जो रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला संक्रामक रोग, तो जीवाणु के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हैजा, अतिसार और गनोरिया। देखिए ये एग्जाम में सूजाक नहीं पूछा था, ये पूछा था ऑप्शन में गनेरिया, सॉरी गनोरिया, कुष्ठ रोग, फ्लेक और सिलिफ जो है सिफी लिप्स और रोहे जिसको हम कुकरे या ट्रोमो जो है ट्रेकोमा कहते हैं, तपेदिक और टाइफाइड आ जाता है। यह विषाणु, विषाणु मतलब होता है वायरस, छोटी माता, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खसरा, गलसुजुआ, पोलियो जो है पोलियो, माइलिस्टिस और उसके बाद आता है रेबीज जिसको आप जलांतक कहते हैं। आप इसी के अंतर्गत वो भी रख सकते हैं कोविड को भी, है ना, जी वायरस सर। है। प्रोटोजोआ देखिए मलेरिया आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद अमी बिलासिस हो जाएगा और ट्रीपैनो सोमाइसिस हो जाएगा और निद्रा रोग हो जाएगा। कवक, चर्म रोग, दाद, ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम, फीता कृत्रिम, अकुंश कृत्रिम और गिनी कृति कृत्रिम भी बोला था या कृमि कहा जाता है या सूची कृमि भी आप कह सकते हो, तो कृमि है वर्म। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से डिवाइड होता है। मैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जैसे देखिए हैजा के बारे में जो इंपॉर्टेंट होगा मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, उसमें आपको नोट करवा देता हूँ। जैसे हैजा है, यह एक जीवाणु नामक से होता है जिसको आप ये भी कह सकते हो वी ब्रियो कैलोरी नामक एक जीवाणु होता है, उससे होता है ये हैजा। नोट कर देता हूँ, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, वी ब्रियो कै या को या कै भी कह सकते हैं, को लेरी भी कह सकते हैं आप, ये भी आपका सही रहेगा। इसके नामक जो है जीवाणु से होता है, ये जल, खाद्य पदार्थ एवं मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है हैजा। तेजी से अगर बात करें ना, तो जल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया या मक्खी हो गई, इनसे बहुत तेज फैलता है यह हैजा। उल्टी, दस्त इस रोग के विशेष लक्षण हैं आप जानते होंगे, और इससे मनुष्य की जो आंत होती है वो होती है प्रभावित हैजा से, और हैजे का टीका लगवाने से हैजा होने की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि पानी को उबाल कर और शुद्ध करके पीना चाहिए। कुछ लोग आप लोगों ने देखा भी होगा कि गर्मी में भी पानी उबाल कर पीते हैं, उनके लिए ये बहुत, मतलब अगर हम बात करें उन्हें हैजा से लिए बहुत जो है लाभ मिलता है, ऐसी बीमारियों से बहुत लाभ मिलता है उन्हें। एक नाम आपने सुना होगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का नाम सुना है? डिप्थीरिया आपको बता दूं, ये बच्चे में विशेषकर 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनमें अधिक होता है ये, और इसमें रोगी की जो श्वसन नली होती है वो प्रभावी होती है। ठीक है, इसमें रोगी को अलग कमरे में रखा जाता है और एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन लगवाया जाता है इसमें? एंटी सीरम सर। जानते हो, बहुत बढ़िया, एंटी सीरम इंजेक्शन। बच्चों को अपने एक नाम सुना होगा डीपीटी वाला, टीटी, डीपीटी, डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए इसमें बच्चों को, है ना, और इन्हें जो है ना डिफ्थीरिया, टिटनस, काली खांसी से बचाता है डीपीटी टीका, ये बचाता है उन लोगों से। और टिटनस जानते हैं, टिटनस बेसिकली एक क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टीनिमी नामक जीवाणु होता है, उसमें देखने को मिला टिटनस में। धूल, गोबर, जीवाणु आदि से घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं,
इसलिए इसे क्लास्ट्रीडियम टिटिनी कहा जाता है, टिटिनी कहा जाता है इसको। ये गर्दन हो गया, चेहरे हो गए, जबड़े हो गए, उनकी मांसपेशियों में पक्षाघात कर देता है ये, और वहाँ शरीर अकड़ जाती है। इसके लिए अगर जब चोट लगता है तो नहीं कहते आप लोग टीटी का सुई लगवा लो, पता है कौन सा सुई लगती है वो इंजेक्शन? एटीएस लगती है ना, एंटी टेटनस सीरम बोला जाता है इसको, उसी टीका को लगवाना चाहिए चोट लगने पर। नहीं सुने चोट लगने बाद कहते जाओ टीटी का इंजेक्शन लगवा के आओ? अच्छा, फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि जब बच्चों का जन्म आप जो देखा होगा तो उसके बाद भी एक टीटी लगता है। तो क्या पता है आपको वो टीटी कौन सी है, उस टीटी का नाम? देखिए दोनों टीटी ही हैं, टीटी का मतलब है टेटनस वाला, मैं बात कर रहा हूँ टीटेनस की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये इंजेक्शन नहीं लगता है वहां पर, हालांकि नाम तो वही होता है बोलने वाला टीटी में, इसको बोलते हैं डीपीटी, डीपीटी इसको कहते हैं। ये बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और ये घाव और चोट की बात कर रहा हूँ मैं। तो चोट और घाव दोनों में अंतर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, और ये मत समझिएगा टीटी का मतलब वही टीटी वाला है भाई जो हमें लगा। अरे भाई चोट लगने पर जो टीटी आपको दिख जाएगी, एक छोटे बच्चे को थोड़ी ना चोट लगी उसको भी यही इंजेक्शन दिया जाएगा, सोचने वाली बात है। यहाँ पे उसे डीपीटी दिया जाता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बोला जाता है इसको, डिप्थीरिया और पर्ट्यूस, पर्ट्यूस बोलते हैं टिटनस इसको, उसका टीका लगता है इसे। ठीक है, याद रखिएगा ये डीपीटी होता है, ये इसको डीपीटी बोलते हैं इंजेक्शन में। चलो अच्छा, टीटी का भी हो गया। डिप्थीरिया और पर्ट्यूस, पर्ट्यूस आप देखो यहाँ पे मैं लिख दिया PERTUSSIS, पर्ट्यूस। ठीक है, और टेटनस का तो मालूम ही है, टेटनस है ना, टेटनस। ठीक है, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में भी कई बार आते हैं, बच्चों के लेकर पूछा जाता है जब, तो वहाँ पे आता है। बाकी टीबी तो जानते ही होंगे, टीबी है ये, टीवी, एक तो टीवी होता है, टेलीविज़न बोला जाता है इसको, टेलीविजन। टीवी वाले को आप टेलीविजन मत समझिएगा, ये वाला, ये दूसरा है, टीवी है ये। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबर क्लोसिस नामक जीवाणु से होता है ये, ये माइक्रो बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबर क्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, और यह जीवाणु रोगी के थूक और खांसी, छींक के सीधे संपर्क, या आप ये कह लीजिए भोजन, जल, वायु के माध्यम से फैलता है। तो रोगी को हल्का ज्वर आएगा और खांसी आती है, बलगम के साथ खून का आने भी लगता है, बलगम के साथ खून भी आने लगता है। तो आंतों में अत्र क्षय हो गया, मस्तिष्क में मस्तिष्क क्षय हो गया, है ना, ब्रेन टीबी जिसको बोलते हैं, अस्थियों में अस्थि क्षय हो गया, बोन टीबी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए, और यहाँ पता है कौन सा बच्चों का टीका लगता है, बच्चों को कौन सा टीका लगवाया जाता है इसके लिए, इस बीमारी से बचने के लिए? सुनते जाओ, समझते जाओ, BCG। हाँ, BCG, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब आया भाई, BCG लगता है यहाँ पर है? BCG का अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होगा BCG का? हाँ, बैसिलस कालमेटिक और गुरीन। तो ये बेसिकली क्या होता है, BCG का पूरा नाम है, और ये वैक्सीन दिया जाता है टीबी वाले जो डिसीज की बीमारी है उनसे बचने के लिए बच्चों को। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक दो मैंने बात किया, एक BCG आपको बात किया, BPT बात किया मैंने आप लोगों से, DPT बात किया मैंने आप लोगों से, और ATS के बारे में बात किया, और यहाँ बात कर लिया आपको BCG। तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत यहाँ पर, है ना, ठीक है।
काफी इंपॉर्टेंट है ये BCG का टीका। तो रोगी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जानते होंगे आप लोग, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है और BCG होता है, जो बच्चे को दिया जाता है बेसिलस कैलिमेटिक गुरीन ग्लू जो है ग्लूरीन नामक एक टीका है, इसको लगाया जाता है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत पेपर में, ठीक है। कॉपी पे चाहो तो आप थोड़ा थोड़ा सा नोट बना के आप कह सकते हो कि भाई ये बीमारी के बारे में पता चल रही, किसमें BCG आ रहा है, किसमें DPT आ रहा है, ये सब आप चाहो तो नोट्स के माध्यम से कर ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो केवल बताने वाली ये चीज़ें होती है, फैक्ट होता है इसमें, है ना। इसके नोट्स अगर दिए जाएँ तो नोट्स तो मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं, लंबे लंबे मिलेंगे, पढ़ने में भी आपको समय लगेगा, आप कहोगे क्या पढ़ा रहे हैं और मज़ा भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैं केवल फैक्ट दे रहा हूँ जो आपको नोट करवा दे रहा हूँ, बाकी इसके नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आपको डीप में पढ़ना होगा तो आप PDF में पढ़ लीजिएगा, प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ वही है जो है, हाँ हाँ बैसिलस है एक, और एक का नाम आता है कैलेमिटी, और एक का नाम आता है ग्लूरीन, यह है तीन नाम, BCG। क्लियर हो गया, हाँ इसको ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं अब तो एक नाम आता है टाइफाइड, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है ये तो भाई। और ये इसमें क्या होता है, फीवर जैसे दवा खाते हैं ना तो कहते हैं फीवर खत्म हो गया, जैसी दवा का असर खत्म होता है तुरंत फीवर फिर आ जाता है, तो लोग कहते हैं भाई टाइफाइड हो गया होगा। और यहाँ बताऊँ 101 फारेनहाइट से अधिक होता है बुखार, कि आप लोगों ने देखा भी होगा अपने घर में, अगर कोई व्यक्ति होगा आप लोगों का अगर हुआ होगा टाइफाइड उसे, तो 101 फारेनहाइट से अधिक बुखार होता है यहाँ पर टाइफाइड में, और बड़ा डेंजरस होता है ये, बहुत दर्द करता है, दर्द भी करता है रोगी के बदन में, हाँ और सिर में दर्द रहता है, ये बना रखता है सिर में दर्द हो गया और पूरे बदन में दर्द होता है, मतलब बहुत बहुत हालत खराब हो जाती है इसमें, टूट जाता है व्यक्ति इसमें टाइफाइड में एकदम। तो यहाँ एक टाइफाइड जो है सालमोन एक जीवाणु होता है, उसका नाम है, नाम नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु होता है जिससे उत्पन्न होता है ये, मैं लिख देता हूँ आप चाहो तो नोट कर लो, सालमोनेला टाइफोसा ये होता है इस नमक जो, और इसमें रोगी के बदन और सिर में दर्द होता रहता है और 101 फारेनहाइट प्लस होता है बुखार, और जल को उबाल कर पीना चाहिए इस समय, जब टाइफाइड हो ना ऐसे व्यक्ति को तो आपको क्या करें, पानी को उबाल कर दीजिए उसे, है कि नहीं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप उबाल कर देंगे तो। और इसमें अगर बच्चों को जानते हो एक टीका लगवाया जाता है, अच्छा इसके लिए बताओ तो आप जानते हैं टाइफाइड के लिए किसका आप सलाह लेना चाहेंगे, क्लोरोमाइसिटीन चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए इसमें, और आप लोग जो झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं उनसे भी दवा लेके चले आएंगे, निमोसलाइड पैरासीटामॉल वगैरह, क्लोरोमाइसिटीन, हाँ ये प्रतिजैविक चिकित्सक की सलाह है ना, प्रतिजैविक तो होता ही है, चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही हमें इसको लेना पड़ेगा जो दवा है, ये एक प्रतिजैविक एक दवा है जहाँ पे हमें एक बताता है आपको कि फॉर्मल दवा, ये व्यक्ति वही लिख सकता है जिसके पास सारा कुछ डिग्री वगैरह होगी, बाकी आप लिखवा के लेके चले जाएंगे झोला छाप डॉक्टर से तो कोई भी मेडिकल स्टोर पर आपको दवा दे देता है। क्लोरोमाइसिटीन जो है प्रतिजैविक दवा है, इसको प्रतिजैविक कहा जाता है, इसको यहाँ पे दवा इसको देने के लिए आपको चिकित्सक को ही सलाह लेना पड़ेगा यहाँ पे। आई थिंक दूध से खाया जाता है इसको ना, 5 टैबलेट होते हैं इसमें, एक पूरा आता है डोज चलता नहीं, कहते इसका डोज चलेगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह, हाँ वही जो भी होगा इसको। अच्छा शिशुओं में इसके लिए आता है क्या लगाते हैं, कौन सा टीका, TAB लगाते हैं शिशुओं के लिए टाइफाइड के लिए, कौन सा लगाते हैं बताइए, TAB
ये क्या टीएबी कौन सा होता है बताओ? टीएबी का अगर हम बात करें तो क्या नाम होता है इसका? वैक्सीन होता है ये टीबी, है ना? बताओ, टाइफाइड सीरम होता होगा सर? टाइफाइड जी, ये कोई सीरम होता होगा सर? सीरम ही है। यहाँ पे देखो, इसको बोला था टाइफाइड, पैरा टाइफाइड। और ये जो टाइफाइड है ना, इसमें एक ए होता है और एक बी होता है। वैक्सीन ए और बी वैक्सीन होती है, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे? जी सर, टाइफाइड जो पैरा, हाँ टाइफाइड में ए और बी दो होते हैं। टाइफाइड, पैरा टाइफाइड एक होता है और एक टाइफाइड होता है। और इसी में जो बताया जा रहा है, ये ए और बी होता है। तो यहाँ पे टी फॉर टाइफाइड, ए और बी दिया गया है। इसमें दो होते हैं टाइफाइड, ए और बी होते हैं टाइफाइड। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, WHO ने भी TCV नामक एक दवाई दिया था, दवाई को टाइफाइड के लिए नए टीके की मंजूरी भी दी थी, है ना? हालांकि उतना ही, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा था, ए और बी वाला। ठीक है, ए और बी वाला रहा था। तो आप याद रखिए, केवल TAB का टीका लगा देना चाहिए शिशुओं को, जिससे आपको बचत करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो जो है, लेप्री होता है, उसके नामक बीमारी फैलती है कुष्ठ रोग। यह रोग जिस स्थान पर होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, हाथों और पैरों की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गल कर विकृति हो जाती है। तो रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। यहाँ पर रोगी को साफ स्वच्छ वातावरण व कुष्ठ निवारण केंद्र में रखना चाहिए, ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो याद रखिएगा, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए यहाँ पर। एक होता फ्लैग, फ्लैग तो जानते ही होंगे आप लोग, है कि नहीं? पश्च यूरेला एक पेस्टिस नामक जीवाणु होता है, उससे होता है ये। और यहाँ पे जीवाणु में ना पशुआ में पाया जाता, मतलब इसके में अमाशय जो होता है, अमाशय में विकसित होता है ये जीवाणु। ये चूहे गिलहरी आदि जो होते हैं, इससे पशुओं में, ये पशुओं के वाहक होते हैं। तो मैं कहूँगा कि रोगी को तेज बुखार और गर्दन और टांगों में जो है, या फिर गिल्टियाँ निकल आती है, गिल्टियाँ निकल आती हैं, प्लेग वगैरह भी देखने को हमें यहाँ पर मिल जाता है। काली खांसी, उपिंग कॉफ कहा जाता है इसको, बेसिकली कुकुर खांसी भी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। और ये बोर्टी टेला एक पेस्टिस होता है, उससे होता है ये, इसको आप काली खांसी का नाम भी देते हैं। बस इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ DPT लगता है इसमें, इसमें DPT लगता है। बाकी कल हम बात करेंगे यहाँ पे वायरस के संबंध में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। इसमें चिकन पॉक्स पढ़ेंगे, स्मॉल पॉक्स पढ़ेंगे, पोलियो भी पढ़ेंगे आप लोग, मैसल्स भी पढ़ेंगे, खसरा भी पढ़ेंगे आप लोग, रेबीज भी पढ़ेंगे, है ना? ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगा कल आप लोगों से। नोट जरूर बनाइएगा, थोड़ा सा रोगी के बारे में जो बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, उसे ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं अगर आप लोग आ रहे हैं समझ में, तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना, उनके बारे में। कल इसे समाप्त कर दूँगा, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन लगेगा, बस फिर समाप्त हो जाएगा। कल परसों में ये यूनिट नंबर 6 समाप्त हो जाएगी, कल परसों, है ना? तो आप समय सही से चमल रहा है आपका, 26-27 ख़त्म हो जाएगा, तो 3 दिन ले जाऊँगा उसका, 27-30 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। 6 तारीख एग्ज़ाम है, 5 दिन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे खासा, 500 क्वेश्चन का हो जाएगा सोशल वर्क का। जी चलिए, अच्छा ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपको जो है एक PDF आप लोगों के ग्रुप में डालता हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हो सकती हैं, है ना? ठीक है, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली क्या है?